अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार अक्ति के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन लोयमी के ग्राम बुधवारा में ग्रामीणों द्वारा अनोखे अंदाज में पूजा पाठ की जाती है। ग्रामीणों द्वारा हल में लगे लोहे से जमीन खुदाई के साथ नीम की डाली से पानी छिड़काव करते हुए धान का बीज डाला जाता है। इस पूजा के महत्व के बारे में कृषक प्यारेलाल साहू ने बताया कि आज के दिन पूजा पाठ करने से खेती खार में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती। वहीं पुजारी रमेश बैगा ने बताया कि ये परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। समस्त ग्रामवासियों की पूजा अर्चना की जाती है। लोयमी से देवेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। दिन हमारे छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। हर सुहागिन स्त्री आज के दिन पीपल पेड़ देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं और कहा जाता है कि यह पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज ही के दिन द्वापर युग खत्म होकर त्रेता और सतयुग युग चालू हुआ था और आज ही के दिन बद्रीनाथ नारायण के द्वापर कपाड़ भी पुनः खुले थे और आज ही के दिन भगवान विष्णु का छठवें रूप परशुराम का भी जन्म हुआ था और आज ही के दिन में भागीरथी राजा का तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती में अवतरित हुआ था। इसीलिए आज के दिन हर सुहागिन स्त्रियाँ पानी डालकर ही पूजा करते हैं। किसान सब जुड़ मिल के देवी देवों का पूजा पाठ करके छठी पर्व में सब धान बोकर अपनी खेती किसानी का प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार हर साल हर वर्ष यानी अक्ति पर्व में नारियल फोड़कर बीज बोकर और सभी यानी ग्रामवासी देवी देवताओं की आराधना करके और इसको प्रारंभ करते हैं। इसका उद्देश्य है कि गांव में बीमारी न आए, खेती खार में कुछ वो नहीं बीमारी नहीं आना चाहिए। ये सब परंपरा के मुताबिक में पुरखा ने चलाते आ रहे हैं। इसी पर्व में सभी इस स्थिति में करते हैं। अरे पूर्व से चले आ रहे परम्परा अस्थित दिन खेती किसानी का दिन आता है, बीज भात निकालता है। हमारे खेती किसानी में विघ्न बाधर ना आए, न कोई प्रकार से ये न हो, ये नाम से हम अस्थित दिन बीज भात निकालते हैं।